नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में 22 से 26 नवंबर को होना है। इस मैच का सभी को इंतजार है क्योंकि ये मैच भारत का पहला डे और नाइट मैच होने वाला है। भारत ने 1-0 से पहले ही इसमें बढ़त ले ली है और अब भारत की कोशिश होगी कि इस मैच को जीत कर पूरी सीरीज को अपने कब्जे में ले सके। पिछले मैच में दोहरा शतक लगाकर सुर्खियों में बने रहने वाले मयंक अग्रवाल एक बार फिर निगाहों में होंगे। वजह ये कि पिछली बार उन्होंने कई रिकॉर्ड एक ही झटके में चकनाचूर कर दिए थे और इस बार भी उनके निशाने पर कई कीर्तिमान होंगे जिसमें भारतीय खिलाड़ियों से लेकर विदेशी खिलाड़ी तक होंगे। आइए देखते हैं एक एक करके वो कौन से रिकॉर्ड होंगे जो वो अगले मैच में तोड़ सकते हैं। मयंक अग्रवाल इस साल 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं। अब तक शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे मयंक अग्रवाल इस साल यानी 2019 में अब तक 740 रन बना चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में इस साल उनसे ज्यादा रन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ने ही बनाए हैं। स्टीव स्मिथ 774 रन बनाकर नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज हैं। अब अगर मयंक अग्रवाल कोलकाता टेस्ट में 35 रन और बना लेते हैं तो वे स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मयंक अग्रवाल ने अब तक 7 मैच खेल लिए हैं लेकिन स्टीव स्मिथ ने 4 ही मैच खेले हैं। बॉल टेम्परिंग के आरोप में 8 महीने के लिए प्रतिबंधित होने के बाद स्टीव स्मिथ ने एशेज सीरीज में वापसी की थी। उसके बाद से वे शानदार खेल दिखा रहे हैं, इसलिए स्टीव स्मिथ का औसत भी मयंक से ज्यादा है। अब बात दूसरे विश्व रिकॉर्ड की। मयंक अग्रवाल अब तक इस साल में 18 छक्के लगा चुके हैं। उनसे ज्यादा छक्के भारत के ही सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने लगाए हैं, यानी पहले और दूसरे नंबर पर भारतीय बल्लेबाज ही काबिज हैं और वह भी दोनों सलामी बल्लेबाज हैं। इस सूची में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के बेन स्टॉक्स हैं, उन्होंने 15 छक्के लगाए हैं। अब अगर इस मैच में मयंक अग्रवाल एक और छक्का मार देते हैं तो वे रोहित शर्मा की बराबरी कर लेंगे, वहीं दूसरा छक्का मारते ही वे रोहित से आगे निकल जाएंगे। हालांकि महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इस मैच में भारत की ओर से रोहित शर्मा भी सलामी बल्लेबाजी करने आएंगे। पिछले मैच में वे 6 रन बनाकर ही आउट हो गए थे, इसके बाद अब दूसरे मैच में वे खूब रन बटोरना चाहेंगे। ऐसे में दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच छक्कों के लिए घमासान होता दिखेगा। अगर दोनों बल्लेबाज एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए नजर आए तो मैच का रोमांच और भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे रिकॉर्ड की। तीसरा रिकॉर्ड जो मयंक अग्रवाल इस मैच में तोड़ सकते हैं। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में मयंक अग्रवाल अब तक 3 शतक लगा चुके हैं। उनके साथ ही भारत के रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ भी 3-3 शतक लगाकर उनकी बराबरी पर हैं। अब अगर मयंक अग्रवाल 22 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगा देते हैं तो वे टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। यहाँ एक बार फिर मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलने वाली है। रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल में से जो भी बल्लेबाज शतक जड़ेगा वह नंबर 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे रिकॉर्ड की। चौथा रिकॉर्ड जो मयंक अग्रवाल अगले मैच में तोड़ सकते हैं। मयंक अग्रवाल अब तक 2 दोहरे शतक लगा चुके हैं। इसके अलावा भारत के ही वसीम जाफर, विनोद कांबली, वीवीएस लक्ष्मण, बीनू मांकड़, दिलीप सरदेसाई और चेतेश्वर पुजारा भी 2-2 दोहरे शतक लगा चुके हैं। अगर मयंक अग्रवाल एक और दोहरा शतक जड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो मयंक इन सभी भारतीय दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि यह बहुत मुश्किल रिकॉर्ड है। पहली बात तो यह है कि यह टेस्ट मैच डे नाइट का होगा, इसलिए मैच को खेलने में भारतीय बल्लेबाज कुछ मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वहीं यह मैच पिंक बॉल से खेला जाएगा जिसे अभी बहुत ही कम भारतीयों ने खेला है। जो भारतीय खिलाड़ी पिंक बॉल से खेल चुके हैं उनमें मयंक अग्रवाल का नाम शामिल नहीं है, यानी मयंक अग्रवाल की भी इस मैच में परीक्षा हो सकती है। हालांकि इससे पहले के जो रिकॉर्ड हैं वह मयंक अग्रवाल जरा सी कोशिश में ही तोड़ सकते हैं।